नमस्कार, मैं हुस्नैया शर्मा, स्वागत है आपका चिन्ह में। ताई नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राइफल राजपूत द्वारा आज 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के बीच गौरव स्थापित करना है। सेना ने गुरुवार को 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यहां स्थापित किया। नौ सेक्टर कमांडर किश्तवाड़, कर्नल अंकुर शर्मा, सीओ टेनारा, डीसी डोड़ा विशेष पाल महाजन उपस्थित रहे। तो देखिए अंजना ठाकुर की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता बनाते हुए यहाँ गैलेक्सी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ स्टार्स का जो है इंस्पेक्शन होगा। सभी लोग इस अद्भुत नजारे को यहाँ देखते हुए बात कर सकते हैं। आज के खूबसूरत दिन को ऐतिहासिक बनाने के बाद आते हुए मेरे हिसाब से अच्छा एक इवेंट है, आने वाले समय में हमारे को और ज़्यादा प्रोत्साहन देगा। मैं इसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके डीसी साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया लगाने के लिए। मैं यहां उपस्थित सभी एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट का भी स्वागत करता हूं, जो खास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, पिछली बार जब मैं आपसे मिला था, कोविड की वजह से करीब 2-2.5 साल 19-20-21 के जो साल थे, उसमें जितना तालमेल, जितने ताल्लुकात आर्मी। नमस्कार जी, बैठिए बैठिए प्लीज, आप बैठे। आज डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बहुत बड़ा स्कूली बच्चे अपने हाथों में दिव्य आज के इस शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यारिश, आप कभी भी जैसे सीटी में। जय हिंद जी। मेरा नाम हाकिम सिंह है, मैं जिला डोडा और जोधपुर का रहने वाला हूँ। सर, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये जो 100 फुट का नेशनल फ्लैग यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में लगा, मैं कई चैनलों को पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमें
नेशनल फ्लैग जो है हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा में कहीं दिखाई नहीं देता था। एक जम्मू कश्मीर का झंडा हुआ करता था जिसको भी दफ्तरों में कहीं अंदर अंदर से लगा लिया जाता था। खास करके मैंने डिस्ट्रिक्ट डोडा में उनको कहीं ऑफिस के छत पर भी नहीं दिखा था। सर आज ये बहुत बड़ी खुशी हो रही है, खास करके आपके चैनल का धन्यवाद है जिन्होंने ये इसका ये फोटो वगैरह लिए हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं हिंदुस्तान की आर्मी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है और ये 100 फुट का झंडा यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के डोडा स्टेडियम में लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान की आर्मी। हमें इसलिए बुलाया गया था कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करें। जो हम रिटायरमेंट के बाद में हमने कई बार क्या होता कि आधार लिंक नहीं होता, अकाउंट अपडेट करना होता है या कोई पेंशन में कोई प्रॉब्लम पड़ती है, उसके भी यहाँ स्टार लगे हुए हैं और सिविलियन सर जो है वो भी स्टार लगे हुए हैं, बैंकों के स्टार लगे हुए हैं, हर चीज़ के यहाँ स्टार लगे हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे या अपनी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे ये स्टार लगे हुए हैं इसलिए हमें यहाँ बुलाया जाता है। मुझे लगता है कि बातें सुनाई नहीं पाएगा, फ्लैग पीछे लहरा रहा है। मेकिंग ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया स्वेल प्राइड। उसके दिल में जो भारतीय होने फ्लैग को देख के जो गर्व महसूस कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है हर भारतीय जो यहाँ पे डोडा में मैसेज यही है कि हम सब मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें, हर अच्छे इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हो, बुराइयों से जैसे कि ड्रग्स है, जैसे कि रेडिकलाइजेशन है, इन चीजों से दूर रहे। नेशन हैज लॉट टू ऑफर, आपके पास ग्रोथ बहुत सारे चांसेस है और मुझे लगता है ये वक्त यूथ का है। भारत जो है वो सबसे नौजवान देश है दुनिया में, अब नहीं तो कब, यही नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कम्युनिटी हॉल डोडा में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन डोडा ने समाज कल्याण विभाग डोडा, मिशन शक्ति डोडा, चाइल्डलाइन डोडा और अन्य संबद्ध विभागों के सहयोग से इस वर्ष के विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। एक लेडी का हाथ होता है लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स का हाथ तो था ही था, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल सिस्टर देयर इज ऑलवेज एन अंडरस्टैंडिंग ब्रदर। तो हमारे भाई भी है यहाँ पे। आपकी जबानी एक स्टोरी टेलिंग शॉर्ट काफी अच्छा लग रहा है। मैं ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर सर और एसपी सर से माफी चाहता हूँ कि सर पहले आपने 2 बार कॉल की थी लेकिन हम आ नहीं पाए थे, कुछ प्रॉब्लम थी। तो सर अभी हम आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। अभी मेरा नाम जो है वो हुमान जुवारी है, मैं इन दोनों से जो है बड़ी हूँ। हम आज बहुत शुक्रगुजार हैं डीसी सर के जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। एक तो मौका था इंटरनेशनल वेमेंस डे का और हमने सोचा कि इस मौके को ज़ाया करने नहीं देते हैं, क्योंकि हम 2 बहनें थी और 1 भाई था और तीनों ने ही साथ में किया। तो हमारी मदर जो है उनकी ही कोई बेन प्रॉब्लम नहीं करता। एटलीस्ट आई नो वन फादर हु लव्स हिज डॉटर मोर देन हिज सन एंड आई एम द सेकंड वन। आपकी बेटियों के बिना है नहीं, बेटी है आपके जीवन को खुशनुमा बनाती। वो पुरानी बात शायद समाज के किसी हिस्से में घुस के आई थी,
रिकॉग्नाइज करने की, आई थिंक ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें। हैड वुमेन नॉट बीन देयर, मेरी माँ नहीं होती तो मैं नहीं होता, मेरी बीवी नहीं होती तो मेरे बच्चे नहीं होते। तो औरत के बिना समाज इनकम्पैटिबल भी है और अनथॉट ऑफ भी है। आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। मेरा ये मानना है कि बच्चियां औरतें जो अलग अलग प्रकार के रोल सोसाइटी में, अगला नाम जो है ये लगाया था और जम्मू का बच्चा वो कभी कोई उसे नहीं भूल सकता। इस बच्ची ने भी वहां पर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। वेरी वेल डन। इनके कोच मास्टर भारतभूषण जी भी हमें इसके बाद अगला नाम जो है आप प्लास्टिक के ऊपर काम से शुरू करें मैडम, प्रोडक्ट प्लास्टिक हम आपको मशीन देंगे जिससे प्लास्टिक में आप और दुकाने बना कर आप काफी बेटर बहुत सारे लोग आ सकते हैं। GMDIC डोडा ने इद्रिस लोन, ACD डोडा, फुलहेल सिंह और DSW डोडा के अपनी तरह के पहले यूथ ऑन 2023 के बारे में जानकारी देते हुए 18 मार्च को स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में उपस्थित किया जाएगा। मैं इद्रिस लोन, रिबैटरी एम्प्लॉयमेंट, डोडा निवासी, डोडा के जो हमारे यूथ्स हैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि मिशन यूथ की तरफ से जो हमारे यहाँ यूथ क्लब्स फॉर्मेशन हुई थी हर पंचायत में और म्यूनसिपल्टीज के हर वार्ड्स में, उनको रिवाइटलाइज करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है मिशन यूथ ने, जो कि 20 फरवरी से 21 मार्च तक जो है वो चलेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो यूथान, हमारे DC साहब जो हैं विशेष महाजन जी, उनकी निगरानी में होने जा रहा है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जो कि 18 मार्च को किया जाएगा, जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग एक्ट रखी गई हैं उसमें, जिसमें यूथ आके पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा हमारा जो है जॉब फेयर्स वहाँ पे होंगे, अलग अलग कंपनीज के लोग वहाँ पर आएंगे और जो यूथ पढ़ा लिखा हमारा है, एजुकेटेड यूथ है, स्किल्ड है, वो चाहते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें, उनको हम जो है इनवाइट करते हैं वहाँ के लिए कि वो आके उसमें पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए उनको जानकारी दी जाएगी और जो अलग अलग स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की उनके बारे में जो है उनको जानकारी दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है 18 मार्च को, तो सभी यूथ जो डोडा के हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सामने आए, अपने हुनर को जो है सामने लाएँ और इस इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो थोड़ा सा डीप जाते हुए और जो एक्टिविटीज़ हमारी उसके अलावा हैं वो एफॉरेस्टेशन है, उसमें यह है कि हर पंचायत में हमारे मिनिमम 5 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स जो हैं वो उनकी उनको लगाया जाएगा। जो हमारे हॉर्टिकल्चर के हैं और फॉरेस्ट के लोग हैं वो उसमें जो है इस काम को अंजाम देंगे। उसके साथ साथ नशा मुक्त, जो कि बहुत बड़ा इस टाइम चैलेंज है हमारे यहाँ, उसको कैटर करने के लिए उस पर अवेयरनेस दी जाएगी, उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये हमारा जो है ब्रीफ एक प्रोग्राम है, तो सभी यूथ जो हैं इसमें आके पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा हमारे साथ ACD साहब डोडा जो है फुलेल जी मौजूद हैं और तारिक साहब हैं, तो ये भी फर्दर जो है इस पर अपनी रोशनी डालेंगे। थैंक यू सर। जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट अधरी सर ने कहा कि जो मेगा इवेंट एक यूथ फेस्टिवल 18th को यहाँ पे डोडा में होने जा रहा है, इसके साथ साथ जो रिवाइटलाइजेशन हमारे यूथ क्लब्स, जो हर पंचायत में एक यूथ क्लब बना था, उसमें उनकी एक्टिविटीज़ की उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो अभी इतनी फास्ट नहीं है, वो इतने वाइब्रेंट नहीं है। इन सभी यूथ क्लब्स को वाइब्रेंट किया जाएगा, उसके लिए ब्लॉक लेवल पे हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें जो इनएक्टिव मेंबर्स है उनको होस्ट किया जाएगा, जो एक्टिव मेंबर्स इसमें काम करना चाहते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ताकि यूथ का जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में और ड्रग एडिक्शन में, इन चीज़ों में वो लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि एक हेल्दी सोसाइटी और अद्भुत डोडा का जो सपना। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं, धन्यवाद।